हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय सिंह चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब परिवार क्रिप्टो 200% अर्निंग चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा पंप अचानक से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देखने को मिला है, जिसके चलते बहुत से ऐसे अल्ट कॉइन्स हैं जिनमें एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिला है। और यह बात मैंने आप सभी को मात्र दो दिन पहले ही बोल दी थी कि जैसे ही यदि बिटकॉइन $34,000 के आसपास स्टेबल होता है और उसके बाद में यदि बिटकॉइन की प्राइस किसी भी कारण से $36,000 या $38,000 तक देखने को मिलती है, तो बाकी बचे जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं उनकी प्राइस के अंदर आपको एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब जल्दी से बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में कि यह जो पंप आया है बिटकॉइन की प्राइस में वो क्या फेक पंप है या रियल पंप। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखना यदि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि ये जो पंप बिटकॉइन की प्राइस में देखने को मिला है वो फेक है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मार्केट में बहुत सी गुड न्यूज़ लगातार आ रही है जिसके चलते बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है। और जो सबसे बड़ी न्यूज़ अभी मार्केट में हाल ही में आई है वो है कि अमेजोन बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में यूज़ कर सकता है इस साल के अंत तक। तो इस न्यूज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देखने को मिला है। लेकिन यह जो न्यूज़ आ रही है वो अमेज़न की तरफ से कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, यह केवल सोर्सेस से प्राप्त एक न्यूज़ है। लेकिन फ्रेंड्स, जो प्राइस में इतना बड़ा अचानक से पंप देखने को मिला है उसमें कहीं ना कहीं वेल्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, इस बात को भूलना नहीं है हमें। क्योंकि यार, बिटकॉइन की प्राइस के लिए दो रेजिस्टेंस, $36,000 व $38,000 का रेजिस्टेंस बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको बिटकॉइन ने आसानी से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर दिया। चलो कोई ना, बिटकॉइन ने इन दोनों रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड ब्रेकआउट भी कर दिया, बट जो रियल में इन दोनों रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करने के लिए जो वॉल्यूम चाहिए था वो वॉल्यूम अभी नहीं है। और हम ऐसा पिछले दो महीने से देख रहे हैं कि वेल्स किस तरीके से मार्केट को पंप करने के बाद में डंप करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो कि अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने के चांस भी है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी डेली ट्रेडिंग करते हैं, वो सावधान रहना, वो स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेडिंग करें, क्योंकि प्राइस अचानक से आपको $34,000 या $36,000 तक देखने को मिल सकती है। और जिन लोगों ने किसी भी टोकन में लॉन्ग टर्म के लिए यानी लंबे समय के लिए होल्ड कर रखा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अभी होल्ड करिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी मार्केट में बहुत बड़ा पंप देखने को मिलेगा और मैक्सिमम चांस है कि इस साल के अंत तक हमें वापस से एक बहुत बड़ा बुल रन देखने को मिले। तो देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस को लेकर, क्योंकि फ्रेंड्स, बिटकॉइन की प्राइस रियल में कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी इस बात के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रेजिस्टेंस व सपोर्ट लेवल। तो देखिए, अभी जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है वो लगभग $38,200 के आसपास चल रही है। देखिए डियर फ्रेंड्स, बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा अभी पंप और डंप कर रही है। हो सकता है जब आप यह वीडियो देख रहे हो तब बिटकॉइन की प्राइस आपको इस लेवल से अचानक बहुत नीचे देखने को मिले, और यह भी हो सकता है कि अचानक से बहुत ऊपर भी देखने को मिले। तो डियर फ्रेंड्स, सारी बातें बताना चाहता हूं एक एक करके। देखिएगा, यहां पर जो मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूं उन रेजिस्टेंस लेवल को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए, यहां पर बिटकॉइन की प्राइस जिस लेवल के आसपास चल रही है उस लेवल से दो कंडीशन बन सकती है, ठीक है। $38,000 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस को यदि एक सपोर्ट मिलता है और यदि बिटकॉइन की प्राइस इस $38,000 के आसपास सपोर्ट बना पाती है तो बिटकॉइन की प्राइस आपको ऊपर देखने को मिलेगी। और यहां पर जो आप ये लेवल देख रहे हैं लगभग $40,000 के आसपास का जो लेवल मैंने यहां पर लिख रखा है, बिगेस्ट रेजिस्टेंस लेवल, तो बिटकॉइन की प्राइस के लिए अब सबसे बड़ा जो लेवल आने वाला है वो है $40,000 के आसपास। आप खुद देख सकते हो, बिटकॉइन एक बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, लगभग $40,000 के इस लेवल को। तो डियर फ्रेंड्स, यदि बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस लेवल $40,000 के इस रेजिस्टेंस लेवल को यदि ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर देता है और यदि स्टेबल हो जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि बिटकॉइन की प्राइस आपको डेफिनेटली इस लेवल के आसपास देखने को मिलेगी। और यहां पर यह जो लेवल है वो आप देख सकते हैं, बिग रेजिस्टेंस लेवल और बिग सपोर्ट लेवल। लेवल कौन सा है? $42,200 के आसपास। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, यदि बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर देता है और यदि इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास यदि इस तरीके से स्टेबल होता है एक या दो दिन के लिए,
तो मैं आपको बता दूं, फिर आपको एक बहुत बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा और उसके बाद में बिटकॉइन की प्राइस आपको सीधे ही $50,000 तक देखने, क्योंकि $42,200 से लेकर $50,000 के बीच में छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, उनको बिटकॉइन बहुत आसानी से ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर की साइड में। तो डियर फ्रेंड्स, यह बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने बता दी है आपको, कि यदि बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल से $38,000 के लेवल के आसपास सपोर्ट पाकर यदि ऊपर की साइड बढ़ता है तो क्या हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब यदि बिटकॉइन की प्राइस इस $38,000 के इस लेवल के आसपास में मान लीजिए सपोर्ट नहीं बना पाती है, और यदि इस लेवल से अचानक से नीचे आती है, तो वहां पर दो कंडीशन बन सकती है। वो दोनों कंडीशन मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पहली जो कंडीशन बन सकती है वो ये हो सकती है कि बिटकॉइन की प्राइस, देखिएगा एक मिनट के लिए, पहली जो कंडीशन बन सकती है वो ये हो सकती है कि बिटकॉइन इस लेवल से $38,000 से यहां तक देखने को मिले, लगभग $36,000 के इस लेवल के आसपास। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो $36,000 का जो ये रेजिस्टेंस लेवल है वो बिग रेजिस्टेंस है बिटकॉइन की प्राइस के लिए, लेकिन अभी बिटकॉइन ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। तो यदि मान लीजिए इस $36,000 के इस रेजिस्टेंस लेवल या इस सपोर्ट लेवल के साथ में, देखिए मैंने यहाँ पे एक बात और लिखी है सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पर यदि बिटकॉइन $36,000 के आसपास अपना एक सपोर्ट बना लेता है जब प्राइस नीचे आती है तब, तो फिर बिटकॉइन की प्राइस वापस से आपको $38,000 के आसपास देखने को जरूर मिलेगी। तो फिर उस स्थिति के अंदर ये जो $38,000 का जो रेजिस्टेंस है वो बिटकॉइन की प्राइस के लिए एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। एक कंडीशन यह हुई। दूसरी कंडीशन यह हो सकती है कि बिटकॉइन की प्राइस को यहां पर नीचे आने के बाद में मान लीजिए $36,000 के आसपास एक सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर बिटकॉइन की प्राइस को जो डेफिनेट सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा $34,000 के आसपास। और यह लेवल मैंने आपको आज से 6-7 दिन पहले भी बता दिया था कि बिटकॉइन की प्राइस के लिए यही लेवल बहुत बड़े रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, यही लेवल बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में भी काम करेगा जब बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल से ऊपर देखने को मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, जब प्राइस इस लेवल तक आ जाती है, $34,000 के इस लेवल तक आ जाती है यदि, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर वापस से आपको एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिलेगा और बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल से इस लेवल तक जरूर देखने को मिलेगी, $36,000 तक देखने को मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी है कि यदि ऊपर जाता है और यदि $42,000 के इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, वहां पर दो दिन के लिए स्टेबल होता है, तो फिर आपको एक बहुत बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा और फिर वापस से अपने को बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $65,000 से भी ऊपर देखने को मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कि मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि ये जो सपोर्ट लेवल है $34,000 का जो सपोर्ट लेवल है, आप यहां पे एक रेड कलर की जो लाइन देख रहे होंगे ना, रेड कलर की लाइन है 50 डेज मूविंग एवरेज। फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको कई बार बोला है कि ये जो $34,000 का जो सपोर्ट लेवल है वो बिटकॉइन की प्राइस के लिए बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहां पर ये भी जो प्राइस है वो अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसके ऊपर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों बातें समझ में आई होगी। अब देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और दिखाना चाहता हूं, तो वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, यहां पर मैं आपको थोड़ा पीछे की ओर लेकर चलता हूं, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं थोड़ा। देखिए, यहां पर लेके आया हूं मैं आपको ना, अब यहां पर एक चीज दिखाना चाहूंगा, आप देखिएगा। यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, यहां पर कहीं बिटकॉइन ने अपना एक $8,500 के आसपास, उसके बाद में बिटकॉइन की प्राइस इस तरीके से नीचे देखने को मिली लगातार, और इस तरीके से नीचे आई, फिर इसके बाद में बिटकॉइन की प्राइस में इस लेवल के आसपास एक डंप देखने को मिला लगभग $31,056 के आसपास। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ती गई इस तरीके से। ये बात कब की कर रहा हूं, ये बात आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 2018 के बीच की बात है। देखिए हुआ क्या, इस तरीके से प्राइस धीरे धीरे यहां से इस तरीके से आती रही और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते यहां पर हुआ क्या, गोल्डन क्रॉस, जबकि यहां पर क्या हुआ था, डेथ क्रॉस हुआ था, यहां पे हुआ गोल्डन क्रॉस। हुआ क्या, देखिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्राइस कहां तक पहुंची, प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिला। यही चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा अब 2021 के अंदर। देखिएगा, मैं आपको बताऊं, लेकर चलता हूं अब मैं उसी पैटर्न के ऊपर।
देखिए डिफरेंस जो 2018-2019 के अंदर हो रहा था सेम वैसा ही 2021 के अंदर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बिटकॉइन ने अपना एक ऑल टाइम हाई मारा, इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस नीचे आई, फिर वापस से बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल तक गई, उसके बाद में बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ रही है और लगातार इस तरीके से बिटकॉइन की प्राइस पंप एंड डंप कर रही है। देखिएगा आप देख सकते हैं आराम से, इसके बाद में बिटकॉइन ने अपना एक लो भी बनाया यहाँ पर, उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस इस तरीके से चलते चलते अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर वापस से एक लो बनाया और अब क्या हो रहा है, अब बिटकॉइन की प्राइस वापस से बढ़ते बढ़ते ऐसे जा रही है। तो अभी 2018 और 2019 के बीच में क्या हुआ था, इस तरीके से प्राइस नीचे आई थी, उसके बाद में प्राइस ऐसे चली फिर ऐसे गया था ऊपर, ठीक है। तो वैसा ही अब हो रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ रही है। यदि 2018-2019 के अंदर जैसा हुआ है और यदि वैसा ही 2021 के अंदर अब देखने को मिलता है तो फिर बिटकॉइन की प्राइस आपको इस तरीके से ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स इस बात को भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ये जो पैटर्न है वो आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, देख लीजिएगा। तो मैं डिफरेंस ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ में मैं एक और बात आपको दिखाना चाहूंगा, देखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा, देखिएगा यहां पर ग्रीन कैंडल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आप ये जो ग्रीन कैंडल है इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा ये 5 ग्रीन कैंडल है। अब आप पीछे की जब हिस्ट्री देखेंगे तो अभी तक अपने को 5 ग्रीन कैंडल कहां पर भी नहीं मिली, देखिए यहां पर भी नहीं मिली, यहां पर भी नहीं मिली, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, देखिए थोड़ा छोटा करना चाहूंगा, अब देखिए, अब देखते हैं अपन जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई मारा उस टाइम से पहले क्या 1 साथ 5 ग्रीन कैंडल बनी थी, तो वो भी चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर देखिएगा बिटकॉइन ने यहां पर 1, 2, 3, 4 ग्रीन कैंडल बनाई थी और यहां पर एक बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिला था। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर भी देख सकते हैं आप, 1 साथ इतनी ग्रीन कैंडल है तो यहां पर भी एक बहुत बड़ा पंप बिटकॉइन की प्राइस में हुआ इस लेवल से इस लेवल तक। तो डियर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी बातें बता दी है कि क्या क्या मार्केट के अंदर हो रहा है। तो अब देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार मैं एंट्री लू या नहीं, तो देखिए सीधी सी बात है कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन में तो आप अभी एंट्री ले सकते हैं। तो अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर लॉन्ग टर्म कितने समय का होता है, तो देखिए वैसे तो लॉन्ग टर्म होने के लिए तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का भी होता है, बट जब तक बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं जाता है तब तक लॉन्ग टर्म मान सकते हो। और बिटकॉइन जल्दी अपने ऑल टाइम हाई तक जाएगा और उससे भी बड़ा एक अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। और जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो लोग अभी बिटकॉइन को $40,000 के सपोर्ट लेवल पर स्टेबल होने के बाद में ही यदि ट्रेडिंग करें तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि अभी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मेरे भाइयों जो लोग मेरे से प्यार करते हैं और जिन मेरे भाइयों को यह लगता है कि मैंने इन पिछले 10 या 15 दिन में जो कुछ बताया है वो 100% हुआ है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि सभी को पता चल सके कि क्रिप्टो 200% अर्निंग चैनल पर जो रेजिस्टेंस व सपोर्ट लेवल बताए जाते हैं उसमें कितना दम है। बाकी यदि मेरे सभी भाई मेरे साथ है तो यह संभव भी होगा और आज ही अपने सब्सक्राइबर 50,000 के पार पहुंचेंगे। तो डियर फ्रेंड्स अब मिलता हूं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।